Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. ये तो जो हम बात कर रहे थे कि विकेट आएगा गुच्छे में आएगा, उसकी नौबत आने नहीं थी। डीन एल्गर और रासी फैंडरलूसन दोनों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है, कहां देखते हैं आप ये गेम प्लेस तीसरे दिन कैंप? देखिए, साउथ अफ्रीका बहुत खुश होगा इस समय, जिस तरीके से कि सत्र में हमने देखा है। हम यहाँ पहले भी चर्चा कर रहे थे ना कि शुरुआत में अगर विकेट नहीं गिरी, जब रोल चलता है अक्सर चर्चा की थोड़ी देर शायद उतने ऊपर नीचे नहीं होती है पिच, और उसके बाद अंत में जब सत्र खत्म होने वाला था उसके आसपास एक दो विकेट आती है, तो वो गुच्छा नहीं आया इस बार बाद में, जिसकी भारत जो वेट कर रहा था, पर फिर भी दो विकेट आपको मिले हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं जैसा भी मैंने कहा ना कि साउथ अफ्रीका बहुत खुश होगी, ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका खेल में बहुत आगे है, क्योंकि जिस तरीके से तने अभी भी ये पिच चल रहा है कि यहाँ पर कोई सेट नहीं है, कि अगर आप डीन एल्गर प्लेयर है, हमने पहले भी देखा इस प्रकार की पारियां खेलते हुए, पर यहाँ पर आप ये देखिए कि जिस तरीके से अभी हम अगर जितनी देर खेल चला कि दो सेट बैट्समैन खेलते हैं, कल सवेरे पहली बात तो एक दोबारा सिलेक्शन का गार्ड लेंगे दोनों बल्लेबाज, और दूसरी बात ये आज भी ऐसा हो सकता था और मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता कि आपने ना एक ही ओवर में दो विकेट झटक लिए, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां इस प्रकार की हैं। तो अभी भी साउथ अफ्रीका आगे जरूर गया है, पर खेल भारत से ऐसा नहीं है कि बहुत दूर चला गया। ये तो देखिए, जोहबर्ग में हमने इससे पहले भी जो पिछला दौरा था ना, वहां पर जो विकेट थी ना, वो इससे भी और ज्यादा मददगार थी गेंदबाजों के लिए, और यही खड़े जरूर रहे थे, पर अंत में आखिर की आठवां विकेट शायद महज 50 रन में गवा दी थी जी एकदम। आज भी अगर आप देखें जिस तरीके से शुरुआत हुई और उसके बाद जितनी देर माकरम और एल्गर भी, जब तक माकरम थे क्रीज पर, रनों का आ रहे थे बहुत जल्दी जल्दी, पर अगर आप पिछले कुछ समय में देखें, कोई लगभग मेरे को लगता है कोई 15 17 18 मेबी 20 ओवर हो गए हैं कि आपको एक भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है, नहीं आई है जी। रसी वेंडोसो अगर आप देखें, रविचंद्रन अश्विन, तो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि ये विकेट पहले से ड्राई लग रहा है, यहाँ पर आपको तीसरे चौथे दिन थोड़ा टर्न देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिला है बिल्कुल। उन्होंने रसी वेंडोसो को बांध के रखा है, मैं तो कहूंगा इनफैक्ट बहुत ज्यादा अपने शेल में खेल रहे हैं, अश्विन के खिलाफ भी दिक्कतों में दिख रहे हैं। तो भारतीय टीम दबाव में जरूर रहेगी, पर साथ साथ मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका टीम भी दबाव में रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप ना आराम से ना नाइसली प्लेस्ड है कि अच्छा चलो आधे रन बन गए, दो विकेट गई हैं, अगले आधे आठ विकेट हम हंसते हंसते बना लेंगे, होने को कुछ भी हो सकता है, पर जिस तरीके से ये खेल अभी तक चला है इतना आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका के लिए, अगर भारतीय गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी जी। और आपने जो भारतीय फैंस की मेमोरी रिफ्रेश करी, ऐसा ही कुछ हुआ था, बिल्कुल सही बता रहे हैं आशीष। 2018 में उस जोहान्सबर्ग टेस्ट में 124 पर दूसरा विकेट गिरा था और उसके बाद 170 पर ऑल आउट हो गए, लेकिन आज जो एक बॉक्स टिक करा है साउथ अफ्रीका ने आशीष, वो करा है जो वो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगाते रहे। हमने बात करी है इस पूरी श्रृंखला की, कैसे अगर एक विकेट आता है तो उसके साथ गुच्छे में आ सकते हैं, वो प्रिवेंट करा है, और उसमें आप कहेंगे डीन एल्गर का बहुत बड़ा योगदान, जिस तरीके से वो वहां खड़े हैं, पिच आसान नहीं है आपने हमें बताया, और हमने देखा भी किस तरीके से कुछ बॉल उठकर आ रही है, लेंथ से उठ रही है, टोटल भी हो चुके हैं बेचारे दो तीन बार, लेकिन अड़िग खड़े हुए हैं। नहीं, खड़े तो देखिए वो रहेंगे चट्टान की तरह, और उन्होंने ये बहुत बार करके दिखाया है, और पिच जैसी मर्जी हो, जैसे अभी हमने पिछले जोहबर्ग की बात करी, उसके अलावा भी बहुत पारियां ऐसी खेली हैं कि आपको लगता है कि बहुत बार बीट भी हो रहे हैं, पर अपनी तरफ से आप उनको कभी ये नहीं देखेंगे तने कि ना अपने खेल से हट गए। बिल्कुल, कई खिलाड़ी होते हैं ना कि आप अपने खेल से हट गए कि भाई अभी यहाँ दिक्कतें हैं, आसान नहीं है बल्लेबाजी करनी, तो जो मेरा खेल नहीं है ना मैं उस पर चला गया, और आपने अपनी विकेट खोई और आप चले गए, क्योंकि जो अगर आप इतनी गेंदें खेल चुके हैं वहां पर आपको इतनी दिक्कत हो रही है, तो आप सोचिए जो आपके बाद आने वाले हैं जिन्होंने अभी एक भी नहीं खेली, उन्हें कितनी दिक्कतें होंगी। तो यहाँ पर जुझारू बल्लेबाज है डीन एल्गर, उनकी सराहना करनी होगी, कप्तान भी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर विकेट फेंक के जाने वाले नहीं है ये बात पक्की है, आपको उनका विकेट झटकना होगा, क्योंकि जितनी गेंदें वो खेल चुके हैं, देखिए यहाँ पर भी यहाँ पिच में मदद हम बार बार लगातार बात कर रहे हैं, पर कुका बुरा की गेंद की भी जब आप बात करते हैं ना, जैसे जैसे ओवर्स होते जाएंगे 80 ओवर पे दूसरी गेंद आएगी, गेंदबाज भी थकते हैं, गेंद थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो फिर दूसरे जो बल्लेबाज हैं वो शायद थोड़ा फायदा उठा सकते हैं, पर उसके लिए आपको अभी और डीन एल्गर से ना और एक बढ़िया साझेदारी की आवश्यकता है कि खेल को ना और पास लेके जाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से टारगेट है 240, अगर आप यही सोचिए कि आपने 170 75 पे तीन विकेट खोए हैं, तो फिर आप वो थोड़ी सी ना और पॉजिटिविटी दिखा के वो 60-70 रन ना भारतीय गेंदबाजों पे दबाव डाल सकते हैं, वो भली भांति जानते हैं, तो इसलिए आप नहीं देखेंगे डीन एल्गर से मुझे लगता है कोई ऐसा रैश स्ट्रोक, कोई गेंदबाज रैश स्ट्रोक लगवा दे बहुत ज्यादा बीट करा करा के अच्छी गेंदबाजी करके, तो बात अलग है, पर अपने खेल से बिल्कुल नहीं हटते, जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत।